चांदी की कीमतें आसमान पर हैं और लगातार नई ऊंचाइयां ही छू रही हैं। घरेलू बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय, इन बेशकीमती मेटल्स में जोरदार तेजी है। सोने की कीमत 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गई और MCX जून वायदा ने भी 74,442 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि अब ये रिकॉर्ड हाई से कुछ नीचे ट्रेड कर रहा है। सोने की कीमतों में ये जोरदार तेजी इस साल की शुरुआत से ही जारी है। 1 जनवरी से लेकर अब तक MCX पर सोना वायदा करीब 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा है। 1 जनवरी को सोने का अप्रैल वायदा 63,501 रुपए पर था और आज ये 74,000 रुपए पर है। यानी 5 महीनों में ही सोने ने अपने निवेशकों को करीब 14% का रिटर्न दे दिया है। लेकिन सोने की चमक चांदी के आगे फीकी पड़ती नजर आ रही है। निवेशकों को तो उम्मीद है कि चांदी का भाव जल्द 1,00,000 रुपए तक पहुंचेगा। MCX पर चांदी के जुलाई वायदा ने 95,950 रुपए प्रति किलो का नया रिकॉर्ड हाई बनाया। ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंची चांदी में अब उठा पटक के साथ कारोबार हो रहा है, फिर भी ये 94,500 रुपए के ऊपर बनी हुई है। इस साल अब तक चांदी ने 22% का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक सोने और चांदी के रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिलने वाले रिटर्न को भी पछाड़ चुके हैं। निफ्टी ने इस साल अब तक महज 3.5% का ही रिटर्न दिया है। वैसे तो सोने चांदी दोनों की ही खरीदारी बढ़ी है, लेकिन चांदी की इस चमकदार तेजी के पीछे कई वजह है। चांदी के साथ एक प्लस पॉइंट है कि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से कीमतों में इतनी ज्यादा तेजी आई है। चांदी का इस्तेमाल कई तरह की इंडस्ट्रीज करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर पैनल, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और सर्किट बोर्ड्स। पूरी दुनिया में जितनी चांदी पैदा की जाती है उसका 50% तो इंडस्ट्रीज ही इस्तेमाल करती है। सोने चांदी में तेजी के कई जियोपॉलिटिकल कारण भी है। तेजी की एक वजह रही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत, जिसके बाद बाजार में घबराहट का माहौल पैदा हुआ। हमास और इजराइल युद्ध के बीच इस घटना से निवेशक सोने चांदी की तरफ भागने लगे। आगे चलकर मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ा तो सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। दूसरी तरफ बाजार उम्मीद लगाकर चल रहा है कि फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरों में कम से कम 2 कटौतियां तो जरूर करेगा। सोने और चांदी की कीमतों में इस रिकॉर्ड तेजी की वजह डॉलर इंडेक्स की कमजोरी भी है। इन सभी वजहों से निवेशकों और एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि सोने चांदी आने वाले दिनों में भी नए रिकॉर्ड बनाने वाला है।